का ताल्लुक एक मछुआरे कबीले से था। बादशाह जाम तमाची, जिसका ताल्लुक उन्नड़ कबीले से और समा सल्तनत से था। समा सल्तनत ने सिंध पर 1351 से लेके 1524 तक हुकूमत की और जाम तमाची समा सल्तनत का चौथा बादशाह था, जिसने 1367 से लेके 1389 तक 12 साल तक सिंध पे हुकूमत की। और जाम तमाची सैर व तफरी और शिकार का शौकीन बादशाह था। कहा जाता है उस वक्त कींजर झील के किनारे एक मछुआरों का गांव था, जो झील से मछली पकड़ते और बेचते, और उस पर ही उनकी ज़िंदगी का दारोमदार था। उन मल्लाहों के एक घर में एक लड़की पैदा हुई जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए उसका नाम नूरी रखा गया। नूरी का मतलब है चांद सा। नूरी को कींजर झील जाना बहुत पसंद था, इसलिए वो आती और झील के किनारे बैठ जाती और झील को देखती रहती। एक दिन वो अपने वालिद के साथ मछली पकड़ने में मदद करने गई। अब अचानक ऐलान हुआ कि बादशाह जाम तमाची आ रहे हैं। फिर सारे मछेरे बादशाह के इस्तकबाल करने के लिए इकट्ठे हुए। जब बादशाह सारे गांव वालों से मिल रहा था, उसकी नज़र नूरी पर पड़ी तो बादशाह जाम तमाची को अच्छी लग गई। अरसे के बाद ही बादशाह जाम तमाची नूरी से शादी कर लेता है और उसको अपने महल लेकर आ जाता है। और बादशाह जाम तमाची पहले से ही 6 शादियां कर चुका था। वो 6 बीवियां नूरी से हसद करने लग गई थीं, क्योंकि वो एक गरीब मछुआरे की बेटी थी। फिर उन सारी बीवियों ने बादशाह को नूरी के खिलाफ कान भरना शुरू कर दिया, मगर बादशाह उनको ध्यान नहीं देता। एक बात जिस पर बादशाह थोड़ा सोचते हैं, हर कुछ रोज़ बाद नूरी अपने भाई को महल बुलाती थी और उसको एक लकड़ी का बॉक्स देती थी और उसमें महल से चोरी किए गए हीरे और मोती होते हैं। और वो अपने सिपाहियों से कहता है कि अब जब भी नूरी वो बॉक्स अपने भाई को दे तो उसको रंगे हाथों पकड़ लो। आखिरकार कुछ रोज़ बाद नूरी अपने भाई को बुलवाकर वो संदूक दे रही थी। इतने में बादशाह के सिपाही वहाँ पहुँच गए और उन्होंने नूरी को रंगे हाथों पकड़ लिया। और जब बादशाह के सामने वो बॉक्स खोला जाता है, तब सारे महल वाले और बादशाह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस बॉक्स में हीरे और मोतियों के बजाय मछली के कांटे थे। जब नूरी से उनके बारे में पूछा गया तो नूरी ने कहा कि मैं हर कुछ रोज़ बाद अपने भाई से अपने घर का खाना मंगवाती हूँ, क्योंकि मुझे यह महल का खाना अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर बादशाह जाम तमाची को उनसे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई कि जो इल्ज़ामात नूरी पर लगाए गए थे वो सब झूठे थे। बादशाह जाम तमाची की ज़िंदगी में ही नूरी की मौत हो जाती है और उनसे बेहद मोहब्बत की वजह से, और पहली मुलाकात भी कींजर झील के पास हुई थी, इसलिए उसकी कब्र कींजर झील के बीच में बादशाह ने तामीर करवा दी। आज भी ये कब्र मौजूद है और सैकड़ों सयाह यहाँ हर रोज़ आते हैं और नूरी जाम तमाची की कब्र पर फातिहा खानी करते हैं।